हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। मैं राकेश, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बना रहे हैं मैगी नूडल। तो मैगी नूडल बनाने के लिए यहां पे मैंने दो मैगी ली है। सबसे पहले हमने मैगी को बॉईल करना है। थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे। जब तक मैगी बॉयल होगी तब तक कटिंग कर लेते हैं। तो यहां पर मैंने पत्ता गोभी लिया है। इस तरह से पत्ता गोभी काट देना है। उसके बाद प्याज को भी काटना है। प्याज को भी इस तरह से काटेंगे थोड़ा स्लाइस में। उसके बाद शिमला मिर्ची भी काटनी है। जब शिमला मिर्ची काटनी है तो साइडों से काटनी होती है। इस सेंटर वाला पार्ट निकाल देना है इसका। तो इस तरीके से शिमला मिर्ची भी काट देनी है। उसके बाद गाजर की कटिंग करेंगे। गाजर को पहले स्लाइस में काट लेना है। उसके बाद ऐसे बारीक बारीक काट देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कटिंग करके हमने रख दी है। कटिंग सारी हमने मिक्सी कर देनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कटिंग करके हमने रख दी है। मैगी को चेक कर लेते हैं। मैगी को पता कैसे चलेगा बॉयल हो गई है कि नहीं। इसके अंदर एक लाइन होती है पतली सी, वो खत्म हो गई है तो मैगी बॉयल हो गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैगी बॉयल हो गई है। उसके बाद मैगी को छाननी में छान लेना है और ठंडे पानी के साथ थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। मैगी को ठंडा करने के बाद थोड़ा सा इसमें ऑयल लगाएंगे। ऑयल हम फूल लगाते हैं, इससे क्या होता है मैगी एक दूसरे के साथ चिपकती नहीं है। तो यहाँ पे मैगी के साथ ऑयल को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने एक पैन लिया। सबसे पहले इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा उसके बाद इसमें हम कटिंग ऐड कर देंगे। जैसे ही हल्की हल्की ब्राउन हो जाएंगी उसके बाद इसमें हम मैगी भी डाल देंगे। उसके बाद थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, थोड़ी सी चिली सॉस ऐड करेंगे, थोड़ी सी टमाटर सॉस ऐड करेंगे। उसके बाद थोड़ी सी सोया सॉस ऐड करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया ऐड करेंगे। उसके बाद दो फोग लेने हैं और फोग से अच्छे से मिक्स कर लेना है।
लास्ट में हम इसमें मैगी मसाला भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैगी नूडल बनके तैयार हो चुके हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैगी नूडल बनके तैयार हो चुके हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें।